बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूँ जवाद कमाल। कश्मीर पर सालसी की पेशकश, अफगान अमन अमल में किरदार की तारीफ, दिफाई तावुन में पेशरफ, इमदाद नहीं तावुन, कर्ज नहीं तिजारत, तारीखी जलसा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात अब नई राहों पर, वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा अमरीका, हर लिहाज से मुल्क के लिए और खित्ते के मुस्बत रहा है। ये वो पॉइंट है जो जुबान ज़द-ए-आम रहे गुज़िश्ता 3 रोज़ पाकिस्तान में। हुकूमती मुखालिफीन लाख इख्तलाफ करें, हुकूमत से जितनी मर्जी खलिच रखें, हुकूमती पॉलिसियों से भले मुत्तफिक ना हो, मगर ये तस्लीम करें कि वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका मुल्क के लिए और खित्ते के लिए बहुत मुस्बत रहा। इस दौरे में अफगान इशू से लेकर कश्मीर मामलात पर न सिर्फ बात हुई है बल्कि अमरीका ने सालिस बनने की पेशकश भी कर दी है। और मामले पर जब भारत ने हद से ज्यादा शोर किया, इनकार किया, तो मोदी सरकार को एक बार फिर सुक्की का सामना भी करना पड़ गया। अमरीकी सदर के मुशीर ने झूठ का पर्दाफाश किया। लैरी कडलो ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ट्रंप बिला वजह कोई बात नहीं करते हैं। भारतीय वजीर आजम ने कश्मीर पर सालसी के लिए मदद की दरख्वास्त की थी। अमरीका ने अफगान अमन अमल में भी बरमला पाकिस्तान के किरदार को सराहा और इस मामले में पाकिस्तान से मजीद मदद करने का कहा। अमरीका ने तिजारती हजम भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 गुना बढ़ाने का ऐलान किया है। इस वक्त अमरीका का पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर का तिजारती हजम है और इस ऐलान के बाद अगर हम देखें तो यह हजम 60 अरब डॉलर हो जाएगा। हमेशा डूम और की गर्दान अपने वाला अमरीका अब हमारी कुर्बानियों का मुतरफ नजर आया। खित्ते में अमन के लिए हमारी काविशों को वो तस्लीम करता नजर आया। कुछ मजीद भी मामलात हैं जिन पर अभी डेडलॉक बरकरार है, जैसे कि कोलिशन सपोर्ट फंड है, उस पर इंडिया दिया गया मगर अभी तक उस पर बात हुई नहीं है खुलकर। और मगर मुस्बत पहलू कहीं ज्यादा है दौरे के। अब पाकिस्तान किस तरह मामलात को आगे लेकर बढ़ेगा ताकि इस मामलात में तातुल ना आ सके, ओवरऑल दौरा कैसा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के न्यूज़ वन स्पेशल में। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद सीनियर तजियाकार जैगम खान साहब ने और सीनियर तजियाकार रऊफ हसन साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। रऊफ हसन साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगा, कुछ मामलात पर अभी भी मजीद बात हो सकती है मगर दौरे के मुस्बत पहलू कहीं ज्यादा है, कैसे देखते हैं आप पीएम के इस ओवरऑल विजिट को, क्योंकि बड़े जो तमाम मसाइल हैं वो ना सिर्फ डिस्कस हुए बल्कि कुछ उम्मीद भी नजर आ रही है हल होने की। देखिए, दौरे के ऊपर जाने से पहले कुछ चीजें तय हो चुकी थी और ये जो अभी आप अपने इब्तदाइया में फरमा रहे थे, पाकिस्तान की जो सेंट्रैलिटी है इन ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान, उसको 10 और 11 जुलाई को जो बीजिंग में 3 बड़ों की मुलाकात हुई थी, चाइना, रशिया और यूएस में, उसमें पाकिस्तान को एज द फोर्थ कंट्री उन्होंने इंडक्ट कर लिया था और उसका जो कम्युनिके उन्होंने पब्लिश किया था उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मदद जो थी उसको भी एक्नॉलेज किया था और पाकिस्तान की जो सेंट्रैलिटी है इन ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान उसको भी उन्होंने एक्नॉलेज किया था। सो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए वहां तो वो ये इश्योरेंस जो थे वो ऑलरेडी लेके गए हुए थे और ये वहां गए थे और उनको ये जो पाकिस्तान की पिविटल पोजिशन अब क्रिएट हुई है ये ऑलरेडी उससे आगाह थे। अब रहा के जी इसका क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या क्या फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह है जी कि अमेरिका में 72 साल में पहली दफा एक ऐसा शख्स गया है जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। इससे पहले जो हमारे लीडरान वहां जाते थे वो पाकिस्तान को एम्बैरस करके आते थे क्योंकि कभी वो NRO मांगते थे, कभी वो कोई ये रिलीफ मांगते थे या वो रिलीफ मांगते थे। ये शख्स वो है जो पहली दफा जिसने पाकिस्तान का केस वहां जाके लड़ा है और बड़ी बेजिगरी से लड़ा है। आप उनकी जो स्टेटमेंट्स है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें आप उनकी देख लीजिए, या उसके बाद आप जो USIP में उन्होंने एक एड्रेस किया है वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को और ओपिनियन होल्डर्स को, वहाँ देख लीजिए उनको, या और भी जितनी भी इंटरेक्शन हुई है उसमें देखिए सबको, कैंडिड, फोर्थराइट एंड करेजस, ये वो फीचर्स हैं जो कि पहले मुझे किसी दौरे में, किसी हुक्मरान, प्रीवियस हुक्मरान के दौरे में नजर नहीं आए। और इससे भी पहले जिस किस्म का जलसा उन्होंने वो DC के एरिना में कर दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे याद आया था कि जो यहाँ इस मुल्क में नैरेटिव चल रहा है कि जी वो खलाई मखलूक और जो के फौज के लिए उन्होंने एक यूफमिज्म इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सवाल किया था अपने एक प्रोग्राम में कि वहां भी खलाई मखलूक वो लोग लेके आई है। जो जज्बा, जो जोश, जो मोहब्बत इस मुल्क से मैंने उस जलसे में देखा है वो इस मुल्क में नजर नहीं आया। तो ये बहुत सारे, और जो अब जब उस जलसे के बाद जब वो
प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलने गए हैं और उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो या तीन दफा इसका इजहार भी किया है कि आप पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं। तो उस वक्त इनको चाहिए था कि अब हमारे ऑपोजिशन जो जितने भी लीडरान है उसको खत लिखें कि आपकी ये बात गलत है। कि आपने जिक्र किया वो तो उसी जलसे को ही हदफ़ तंकीद बना रहे हैं मुसलमान। हाँ वो बना बाहर से वो एक डिफरेंट बात है। सबसे दो तीन बड़ी बातें मैं आई जस्ट टेक अनदर मिनट। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जी हमें एड नहीं चाहिए, हमने ट्रेड करनी है, जिसका जिक्र जो है आपने अपने इब्तदाई में बताया है कि उन्होंने कहा है जी कि इसको हम 10 से 20 गुना बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते हैं। अभी ये सब प्रॉमिसेस हैं, इनमें मटेरियलाइज क्या होता है ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इसको हैंडल कैसे करता है और उसके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशनलिटी है। बिल्कुल, मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा। जरा आप अभी इस पे जो इंडियन शोर शराबा है, इंडियन लॉबी जो शोर मचा रही है मामले पर, वहाँ का मीडिया, वहाँ की गवर्नमेंट, फिर उस पर ट्रंप के मुशीर ने भी आज वजाहत कर दी है, ये कितना बेजरर लग रहा है भारतीय शोर शराबा इस तमाम तर मामले के बाद। देखिए मैं उसके उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। अगर हमारे साथ इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आई होती तो हम भी वही बात करते जो वो कर रहे हैं। तो ये मतलब एक बड़ा नेचुरल सा एक फिनोमेनन है और उन्होंने किया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अब ये हाइपरबोल में और इस ये मतलब इस किस्म की लफाजी में मत जाएं। हमारा इशू यह है जिसका कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इजहार भी किया है कि हमें अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। तो हम चाहिए कि हमें एक प्रैग्मेटिक तरीके से इसको आगे लेके बढ़ें, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ अपने अपने मसाइल जो है उनको हल करना है, अच्छे हमसायों की तरह रहना है, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है वो ट्रेड के ऊपर हो सके और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आके लेके जा सके। बिकॉज आने वाले वक्तों में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो एटम बॉम्ब नहीं है, वो आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है, उसको आपने आगे लेके चलना है। उसमें उसको एस्टैब्लिश करने में इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो इंडिया में क्या वावेला हो रहा है वो एक नेचुरल सी बात है, उनको करने दे, वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। हमें चाहिए कि अगर जिक्र किया है कि जी मैं इसको मीडिएट करता हूँ तो नैरेटिव को आगे लेके चलिए। मामला भी इन पर बात करेंगे। जेगम साहब, अमेरिका ने कश्मीर मामले पर सालिस बंदे की पेशकश की, भारत ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, इनकार भी किया, हमेशा की तरह भारत को यहां पर भी सुप्रीम का सामना करना पड़ा क्योंकि अमेरिकी सदर के मुशीर ने वाजे कर दिया कि मोदी ने ऐसी बात की थी, दरखास्त की थी कश्मीर पर सालिस बंदे के लिए अमरीका से। तो आप नहीं समझते भारत का दोगलापन एक बार फिर खुलकर सामने आ गया, क्योंकि एक तरफ वो हमसे मुजाकिरात से फरार इख्तियार करता है, दूसरी जानिब अमेरिका से मामले पर सालिस बंदे की दरखास्त भी कर रहा है। ओवरऑल विजिट को भी आप थोड़ा सा रोशनी डाल दें, कैसे देखते हैं? देखिए मोदी साहब के लिए एम्बेरसमेंट तो एक यकीनन थी, क्योंकि भारत की जो स्टेटेड पोजीशन है वो यही है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल मसला है जिसे इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर हल करना है, इसमें किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। और फौरन ही उसके बाद उन्होंने तरदीद भी कर दी जैसे ही ट्रंप साहब का बयान आया। तो उनके दरमियान में क्या कम्युनिकेशन हुई थी वो वाज़े नहीं है मोदी साहब के और ट्रंप के दरमियान में, लेकिन भारत की तरफ से जो उनकी पुरानी पोजीशन थी उस पर बात आ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ भारत के लिए जो असल मुश्किल इस वक्त पैदा हो रही है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। आप पहले ये देखिए कि हमारा डाइवर्जेंस अमरीका के साथ, इख्तलाफ कहाँ पर था और उसमें कहाँ पर तब्दीली आई है, नई हालात, नई ओपनिंग कहाँ पैदा हुई है, क्योंकि कौमों के लिए मफादात अहम होते हैं। तो पाकिस्तान की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन जो उसकी मफादात पर मबनी है वो उसने गार्ड करनी है, और अगर हम देख लें कि कहाँ पे तब्दीली आई है तो हमें सारी बात समझ में आ जाती है। पहले नंबर वन अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका की पोजीशन ये थी कि तालिबान को शिकस्त देनी है फौजी तरीके से। थोड़ा सा देखो साहब, अफगानिस्तान वाले मामले को भी रोकते हैं, मैं क्योंकि आगे चलकर इस पर बात करूंगा। मैं जरा अभी कश्मीर वाले मामले पे थोड़ा सा आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। इस पर कितनी बड़ी पेशरफ्त हुई है इंडियन प्रोपेगेंडा, फिर उस पर फिर जवाब भी सामने आया, ये कैसा रहा? और खासतौर पर इंडिया की जो ये डुअल पॉलिसी है कि हमसे तो बात नहीं कर रहे और अब पीछे से आ रहे हैं, अमरीका को कह रहे हैं कि मुजाकरात कर लें। देखिए इसमें दो लिहाज से ये बात अहम है, एक तो एम्बेरसमेंट के हवाले से कि मोदी साहब की एम्बेरसमेंट हुई, और दूसरा इस लिहाज से अहम है कि ये वक्ती तौर पर ही सही, कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज तो हुआ, यानी अमेरिकी सदर ने भी उस पर बात की, उस पर आगे बढ़ के बात की और एक पोजीशन लेने की कोशिश की, एक इंटरवेंशन की, एक ऑफर की, अगरचे इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कश्मीर का किसी भी फोरम पर उठना, बहस में आना,
वज़ीर मौजू आना, दुनिया में बात होना, वो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इससे ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा हमें रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत कभी भी बायलैटरल पोजीशन जो अपनी है वो नहीं छोड़ेगा, और इस वक्त तो कम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं है। भारत की एक बड़ी एक स्टबन पोजीशन है और वो उससे जल्दी नहीं हटेगा। रऊफ साहब, खित्ते का सबसे देरीना अहम मसला मसला कश्मीर है, इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। आप क्या समझते हैं, जो एक बात जैसे अभी जैगम साहब ने उठाई कि हम दुनिया के सामने इस मामले को उठाने में कामयाब हुए, कुछ माह पहले तक ये बात हो रही थी कि हमें लॉबी मजबूत करना पड़ेगी, हर फोरम पर इस पर बात करनी पड़ेगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर चाहे कोई भी फोरम हो उस मामले पर बताना होगा, भारत के चेहरे को बेनकाब करना होगा, तो कितना कामयाब हो रहा है पाकिस्तान इस मामले में? देखिए, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस जो है ना, वो जरा कश्मीर से और हिंदुस्तान से बियॉन्ड अगर हम उनको रख के देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात हम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, और उसमें जो है कि एक छोटा सा एक आंसर है जो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि जी मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूं, तो वो तो नहीं कर सकते ना जब तक हिंदुस्तान उससे एग्री नहीं करेगा। उन्होंने कहा है, खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों जब मानेंगे तो उस वक्त तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हाँ, इंटरनेशनल फोरा के ऊपर पाकिस्तान जो है वो जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आई है, इसको उन्होंने ज्यादा इफेक्टिवली उजागर करने की कोशिश की है, वो एक डेफिनेटली एक बात है जो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए और उनको करते रहना चाहिए। इसके अलावा यूएन की जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उनकी उनके दफ्तर से भी दो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लास्ट ईयर भी 2018 में भी रिपोर्ट आई है और 2019 में भी रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का बहुत जिक्र किया है। तो वो खुद एक इंटरनेशनलाइज हो चुका हुआ था कश्मीर का मामला, और इस रिपोर्ट के शाया होने, दोनों रिपोर्ट्स के शाया होने से पहले हिंदुस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की कि इनकी इशात को रोका जाए, लेकिन वो नहीं कर सके। इसके अलावा जो ईयू यूरोपियन यूनियन ने भी एक रिपोर्ट शाया की है इंडियन कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर। तो ये मसला जो है ये एक काफी हद तक इंटरनेशनलाइज हो चुका हुआ है, लेकिन हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की इस स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा हमें बैंक नहीं करना चाहिए। इंडिया का एक नैरेटिव नहीं है बायलैटरल, मेरे दोस्त ने कहा है इंडिया के तीन नैरेटिव्स हैं। इंडिया का एक नैरेटिव वो है जो कि जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करता है, जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करता है तो वो कहता है जी ये मामला बायलैटरल है। जब वो बात करता है पाकिस्तान से तो वो कहता है जी कि पहले आप टेरर के ऊपर कंट्रोल करें, बिल्कुल। और जब वो बात करता है कश्मीरियों से तो वो कहता है कश्मीर तो इंडिया का अटूट अंग है। सो उनके तीन नैरेटिव्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस से बात कर रहे हैं। ये तीन नैरेटिव्स को अगर आप सामने रखें तो आपको आपको जो है इंडियन पोजीशन जो है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आएगी कि हिंदुस्तान कभी भी इस मसले के ऊपर किसी भी मीडिएटर के जरिए पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। और तो लेकिन अब जब मामला इंटरनेशनल फोरम पर बहुत ज्यादा उठने लग गया है, जैसे आपने खुद कहा 2018 में भी रिपोर्ट सामने आई, बायलैटरल फोरम के ऊपर वो इस मामले को पाकिस्तान के साथ टेक अप करेगा। अब कितना सर वो अभी अपने तीन चेहरे कितने रख सकता है सामने, और कितना उसको मामले के हल के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेजी से लॉबी मजबूत कर रहा है, एक लॉबी बना रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। नहीं, ये बात, ये कोई जल्दी से आगे जाती हुई बात नजर नहीं आ रही मुझे। इसके लिए पहले पाकिस्तान को अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान इस वक्त सबसे जो बड़ा क्राइसिस है, जिसका मेरे दोस्त भी जिक्र करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल उसकी तरफ आना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए कि जो इशू है वो है पाकिस्तान की पोजिशन इस वक्त विज़ावी अफगानिस्तान। पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान से क्या डिमांड किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को वो रोल प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर वो प्ले हमारा मौजू ये होना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान की देखें थोड़ा सा भारत की भी सर, जो भारत अब मामले से मुकर रहा है, मैं जरा उसको भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इंडियन मीडिया का वावेला इतना ज्यादा, एक सिर्फ एक ज्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं हम, जो असल इशू है सब्जेक्ट है उसको हम पीछे। मैं आता हूँ सर, मैं एक छोटे से मामले पे जरा जैगम साहब की राय ले लूँ, फिर हम अफगानिस्तान की तरफ भी आते हैं। जैगम साहब क्या समझते हैं, एक जो लॉबी की बात हो रही थी, पाकिस्तान इस लॉबी को मजबूत करने में पहले नाकाम रहा 18 से पहले तक, और अब जैसे कि रऊफ साहब ने बताया कि रिपोर्ट्स भी सामने आ रही, यूएन में भी दो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, अमेरिका में भी मामले का जिक्र उठा है, कितना ये पॉजिटिव स्टेप है, बहुत तेजी से हम लॉबी इस मामले को मजबूत कर रहे हैं, और खासतौर पर हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी साहब ने भी तारीफ की है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि पहली हुकूमत देख रहे हैं जो इस मामले को लेकर आगे बढ़ी है। जैगम साहब, देखिए लॉबिंग का मसला, जब आप अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी करते हैं तो पहला लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो लॉबिंग का है। आई एम प्लीज कि आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि अमेरिका में डिप्लोमेसी में जो भी छोटे से छोटी ताकत हो या बड़ी से बड़ी ताकत हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या स्टेट हो,
वो लॉबिंग वाशिंगटन में जिसकी जितनी इफेक्टिव है वो उतनी ही वहाँ इन्फ्लुएंस कैरी करती है। ऑब्वियसली अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट बहुत अहम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत के साथ, एग्जेक्टिव के साथ, कांग्रेस के साथ अपना इन्फ्लुएंस प्ले करने के लिए आपको इफेक्टिव लॉबिंग करनी होती है। और आप जब भी वाशिंगटन में जाएं, वाशिंगटन में बात करें वहाँ के लोगों से या वहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनसे, तो एक बात आपको वाज़े तौर पर महसूस होती है कि पाकिस्तान की लॉबिंग बहुत कमज़ोर है और भारत की लॉबिंग वहाँ बहुत ही मजबूत है। उसकी वजह यह भी है कि वहाँ पर भारतीय, जिसको NRIs कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी वो आला तालीम याफ्ता भारतीय जो चले गए हैं अमरीका में, वो अमरीकी हुकूमत में भी हर जगह बैठे हुए हैं, भारत ने किताबें लिखवाई हैं, वो कॉलम्स लिखवाता है, दुरुस्त दुनिया को बताता है कि हम गलत है वो ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए हम तो एक तो लॉबिंग के हवाले से अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी अच्छी तौर पर नहीं चला सके, वहाँ के एकेडेमिया में हमारे उतने मौसर पाकिस्तानी नहीं है, हुकूमत में मौसर पाकिस्तानी नहीं है, फिर हमें जिस तरह अपना नैरेटिव लेकर चलना चाहिए था और जो पाकिस्तान के ब्रांड को जिस तरह लेकर चलना चाहिए था, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का ब्रांड बहुत ख़राब होकर रह गया है। बाहर से जब भी कोई आता है तो पाकिस्तान में आकर उसको हैरत होती है कि पाकिस्तान के बारे में हमने इस तरह तो नहीं सुना था, इस तरह तो नहीं देखा था, पाकिस्तान तो एक बहुत बेहतर मुल्क है। यानी दुनिया को जो पाकिस्तान का चेहरा नज़र आता है वो हमारे असल चेहरे से अच्छा नहीं है, असल चेहरे से बुरा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमतों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, कि हम अच्छी पब्लिक डिप्लोमेसी लेकर चलें, अपना पैगाम अच्छे तौर पर जाएं। और जब कश्मीर की बात है तो कश्मीर में जो इंसानी हकूक की ज्यादतियाँ हो रही हैं, यानी कश्मीर को अगर हम सिर्फ बायलैटरल इशू के तौर पर पोर्ट्रे करेंगे तो दुनिया इतना नहीं सुनेगी, हम कहें जी हमारा हक था जब हम ये कहेंगे कि देखिए कश्मीर में कश्मीरों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर दुनिया एक इंसानी हकूक के बोरान के तौर पर ज्यादा तो बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट है। एक ब्रेक के बाद मुझे जाना होगा, जिसके बाद हम बात करेंगे अमल के हवाले से अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान अब कहां पर खड़ा है इस दौरे वजीर आजम के दौरे अमेरिका के बाद। एक ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात अफगान अमन अमल के हवाले से करेंगे। अमेरिका का ये तस्लीम करना कि इस मामले को लेकर जो पावर पाकिस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं है, रऊफ साहब आप क्या समझते हैं, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि अमेरिका को माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान की शदीद जरूरत है और अब पाकिस्तान ठीक तरीके से मामलात को आगे बढ़ा रहा है? देखिए ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा होती है, पास्ट में थी अब भी है, अच्छी बात है, इसको देख के लेके आगे चलना चाहिए। अमेरिका में दो नैरेटिव हैं, एक नैरेटिव तो ये है जिसका जिक्र मैंने भी किया था, आपने भी किया है, कि पाकिस्तान की सेंट्रलिटी को अब ज़्यादा विलिंग है वो एक्सेप्ट करने के लिए अफगानिस्तान के अमन के लिए। लेकिन एक नैरेटिव और भी है जो कि अभी तक वहाँ चल रहा है, पैरल नैरेटिव है, वो ये है कि जी हम ये जंग जीत नहीं सके पाकिस्तान की वजह से। ये दोनों नैरेटिव अमेरिका में आपको नज़र आते हैं, तो ये सोचना कि सिर्फ एक ही नैरेटिव है वो नहीं है और वो लेकिन ये दूसरा नैरेटिव आपने बताया, इसको ट्रंप ने भी कहा कि ये माजी में ऐसा था वगैरह, पाकिस्तान साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नई हुकूमत है, नई क़यादत है, तो अब इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? अभी तक वो नैरेटिव ही चल रहा है, ये दोनों नैरेटिव पैरेलल चल रहे हैं ना जी, वो मौजूद हैं, जो नेगेटिव नैरेटिव है वो भी मौजूद है इस वक्त। देखिए अफगानिस्तान में हो कर रहा है एक चीज की रियलाइजेशन जो है वो दुनिया ने कर ली है कि जी पाकिस्तान के बगैर शायद अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान को क्या रोल दिया जा रहा है, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा था और अब क्या कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान रोल प्ले करे। पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा था इस वक्त जब से प्राइम मिनिस्टर खान की हुकूमत आई है एक फैसिलिटेटर का, जिसमें कि उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के दरमियान जो नेगोशिएशंस हुई हैं, दोहा टॉक्स जो हो रही हैं जिसके 7 राउंड हो चुके हुए हैं, उसको फैसिलिटेट किया, उसको उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने तालिबान से बात करके उन्होंने कहा जी कि अब वक्त आ गया है कि आप बैठ के अपने मसाइल हल करें, तो वो चल रही है। लेकिन वहाँ वो बातें फंसी हुई हैं एक दो नुकात के ऊपर। सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि तालिबान जो है वो काबुल की हुकूमत से डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे। अब पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो ये है कि जी आप एक फैसिलिटेटर के रोल से आप आगे बढ़ के एक आप मीडिएटर का रोल जो है वो प्ले करें। अब मीडिएटर के रोल के लिए क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को, उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नंबर एक
कि तालिबान को वो अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए राजी करें, और नंबर दो जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब पीस डील हो जाती है, जिसके चांसेस है कि वो हो जाएगी, बल्कि मैं ये कहता हूं, मैंने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा है कि ऑलरेडी हो चुकी हुई है, और वो सिर्फ फंसी हुई है इस एक नुक्ते के ऊपर कि तालिबान जो है वो अफगान हुकूमत से बात कर लें, एक दफा कर लें, दो दफा कर लें, तो वो जब पीस डील हो जाती है तो पाकिस्तान से जो दूसरी मदद लेने की कोशिश की जा रही है, या पाकिस्तान को जो दूसरा रोल देने की कोशिश की जा रही है, वो है कि पाकिस्तान एक गारंटर का काम भी करेगा, ताकि अगर जब पीस डील हो जाती है तो उसके बाद तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में टेक ओवर करने की कोशिश ना करें, या कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि जो अफगानिस्तान के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। मैंने अपने 2-3 आर्टिकल्स में इसको एड्रेस करने की कोशिश की है, और मैंने कहा है कि पाकिस्तान को वो रोल प्ले करना चाहिए सिर्फ जो कि पाकिस्तान कर सकता है, और पाकिस्तान को कोई ऐसा चैलेंज टेक ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इशारा किया रऊफ साहब ने, ये पाकिस्तान के लिए कितने बड़े चैलेंज है, और जैसा बिलावल साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में इतने ज्यादा वादे ना करे जितने पूरे ना कर सके, वो किस जाने उनका इशारा था? बिल्कुल ठीक है, हमें इन सब चीजों की तरफ भी देखना है, हमें अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी देखना है और चैलेंजेस की तरफ भी देखना है। देखिए, पहले अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें कि अमरीका के साथ हमारा इख्तलाफ किस बात पर चल रहा था, तो वो बड़ा वाजे है। अमरीका का ये कहना था कि तालिबान दहशत गर्दों का एक गिरोह है जिसको बाहर से मदद मिल रही है, अफगान काबुल हुकूमत भी ये कहती थी और इंडिया भी ये कहती थी, और अगर बाहर से इमदाद मिलना बंद हो जाए तो ये इनकी कोई हैसियत नहीं है और हम इनको मैदान जंग में शिकस्त देंगे, इनको हरा देंगे जी। अब जो हकीकत हाल है, जो खुद अमेरिका के भी मुबस्सरीन कह रहे थे और दुनिया भर के मुबस्सरीन कह रहे थे कि भाई अब बात इंसर्जेंसी से निकल कर एक स्टेलमेटेड सिविल वॉर में पहुँच चुकी है। देखिए, सिविल वॉर में जब स्टेल मेट आ जाती है तो फिर वो दहाइयों तक चल सकती है, किसी एक गिरोह के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो दूसरे को शिकस्त दे दे, और गोरिल्ला को उसमें ये बर्तरी होती है कि वो हुकूमत को थका सकता है, वो सिर्फ जंग जारी रखकर ही हुकूमत को शिकस्त दे देता है, क्योंकि हुकूमत इतनी थक जाती है, वसाइल इतने खर्च हो जाते हैं कि वही बहुत बड़ी बात होती है। इस वक्त अमेरिका ने ये अपनी पॉलिसी में तब्दीली की, उसने ये तस्लीम कर लिया कि तालिबान एक पार्टी है, ये अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जो अफगान्स को मिलकर हल करनी है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने वो पोजीशन तब्दील कर दी जिसमें वो पाकिस्तान से कहते थे कि आप तालिबान की पिटाई निकालें, दोबारा आप जंग में जाएं और हमारे साथ मिलकर उनको मारें, ये तो एक पहली बात है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी हुई, क्योंकि वो मसला हल की तरफ जा नहीं सकता था, उससे मजीद मसाइल पैदा होते, मजीद झगड़ा और खून खराबा होता और पाकिस्तान के अंदर उसके मुजमरात होते, एक तो हम उस मुसीबत से बच गए। दूसरी बात जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था वो भारत का अफगानिस्तान के अंदर रोल था, कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीका ने और ख़ुद काबुल की जो अलीट है उसने भारत को उस तरह का रोल दे दिया था जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा था, यानी पाकिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, भारत को दोस्त डिक्लेयर कर दिया, और आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए फिर भारत ने पाकिस्तान के बिल्कुल मैं इसी मामले को आगे बढ़ाऊंगा। सर, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं रऊफ साहब से भी इसका जवाब लूंगा जी जी, कि हम बिलाखिर ये बावर कराने में दुनिया को, अमरीका को खासतौर पर कामयाब हो गए कि हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं, क्योंकि हमसे पहले सिर्फ डू बोर का ही मुतालबा होता था। एक लंबे अरसे तक ये मौकफ है अमरीका का, मगर अब मौकफ बदल रहा है, अमरीका पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ है। क्या समझते हैं, कितना अच्छा खेल रही है इमरान हुकूमत खारजी मामला? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बात नहीं है कि हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी दोबारा से बन गए हैं, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। ये तो बावर करा दिया कि हमने बहुत कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों के मुताबिक डू मोड से तो बाहर निकला ना अमेरिका। देखिए इस वक्त जो है वो बर्फ पिघली है, हमारे एक बेहतर ताल्लुकात की तरफ एक रास्ता खुला है, ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसको ये कहना कि हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी दोबारा से बन गए हैं वो नहीं है। पाकिस्तान का किरदार की अहमियत को उन्होंने तस्लीम किया है, लेकिन उसके नतीजे में वो तमाम चैलेंजेस भी पैदा हो गए हैं जिनकी तरफ रऊफ साहब इशारा कर रहे थे, कि हमारी तालिबान पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम जो कहेंगे अमरीका हमें कहेगा कि तालिबान से आप ये करवा दें तो हम तालिबान को कहेंगे तो वो तालिबान करके डिलीवर कर देंगे। पाकिस्तान का एक खत्ते में इतना रोल है जो किसी भी मुल्क से ज्यादा है, बहुत अहम रोल है,
लेकिन पाकिस्तान के हाथ में तमाम चाबियां नहीं हैं। इसीलिए रऊफ साहब जैसे और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न कर रहे हैं कि हम उतने वादे करें जितने निभा सकें, हम एहतियात से खेलें। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी, खित्ते में अमन के हवाले से भी, मगरबी बॉर्डर पर जो हमारे खतरात से उनको दूर करने के हवाले से भी। इमरान की हुकूमत, इस हुकूमत ने भी अच्छा किया है जी। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है, जो तमाम इदारे हैं, उसमें वजारत खारजा को भी उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, सिक्योरिटी इदारों को भी और हुकूमत को भी। रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं कितना अच्छा खेल रही है इमरान हुकूमत खारजी मामलात पर? क्योंकि पहले तो सिर्फ डूब और की ही बात सामने आती थी, मगर अब तस्लीम किया जा रहा है हमारी पावर्स को, हमारी कुर्बानियों को। और रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा मुख्तसर, थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब भी अफगान क्यादत से मिलेंगे वापस आकर, ये कितना अहम होगा इस अमन अमल के लिए? देखिए, डू मोर का तो अभी भी तकाजा हो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। मैंने उसको आपको अर्ज किया ना, दो चीजें हैं कि पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप फैसिलिटेटर से मीडिएटर बने, तो ये डू मोर का तकाजा ही है ना कि आप गारंटर्स बने, आप इस चीज की गारंटी दें कि डील के बाद तालिबान जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो बाकी स्टेक होल्डर है उनके लिए डेट्रीमेंटल हो, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है उसमें देखिए, पिछले पांच साल तो आपकी खारजा पॉलिसी रही नहीं थी ना, तो आप शुक्र शुक्र करके आप देखिए, आप खारजा पॉलिसी आपकी नजर आ रही है, आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, तो अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं पहले एक साल के अरसे में। बहुत से ममालिक का दौरा किया खान साहब ने, बहुत से मुल्क के हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ आए हैं। अमेरिका का दौरा एक कामयाब, रिलेटिवली बहुत कामयाब दौरा हुआ है, तो ये एक फेदर्स हैं आपके फॉरेन ऑफिस के कैप में, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा और एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नैरेटिव जो है वो, जो पैरेलल नैरेटिव है वो खत्म नहीं हुआ, वो मरा नहीं है, वो मौजूद है बकायदा। और जरा सी भी अगर पाकिस्तान से चूक हो गई, अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली जो कि ये डिलीवर ना कर सका, तो वो नैरेटिव जो है, नेगेटिव नैरेटिव जो है वो ज्यादा उजागर हो जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो, जिसको बार बार मेरे दोस्त ने कहा है, जागम साहब ने कहा है कि जी एक विंडो मिली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये विंडो मिली है, इस विंडो का ठीक है, आपका पॉइंट सामने आया, एक मुझे ब्रेक की जाने, इस विंडो का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान, इस पर इंशाल्लाह पूरा भी उतरेगा। एक ब्रेक की होगा, उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इक्तिसादी मामलों का सामना भी है, खसारे का सामना भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में इसका जिक्र भी किया है, और तिजारती हजम बढ़ाने का, जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि 10 से 20 गुना बढ़ सकती है, किस तरह पाकिस्तान मामले को आगे लेकर जाए, एक ब्रेक पर बात करें। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दौरे अमरीका के दौरान सवालों के जवाब में ये वाजे तौर पर कहा कि जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकतसादी खसारे का सामना था, इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक इशारा दिया गया अमरीकी सदर की जानिब से कि हम तजारती हजम को 10 से 20 गुना बढ़ा सकते हैं। जगम साहब क्या समझते हैं, कितना बड़ा ठंडी हवा का झोंका है ये बयान, और मामले को पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ाए, बयान से निकल कर अमली तौर पर अमली जामा किस तरह पहनाया जा सकता है? देखिए, इसका फौरी तौर पर जिसको फॉलो अप कहते हैं कि एक पॉजिटिव बात उन्होंने की और एक पॉजिटिव जो माहौल पैदा हुआ, अब ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी सिविल सर्विसेज का, फॉरेन ऑफिस का और हमारी दूसरी मिनिस्ट्रीज का काम है कि इस पर छलांग लगाएं। अमेरिका की मार्केट्स आसान मार्केट्स नहीं हैं, बहुत कंपेटिटिव मार्केट्स हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं। अगरचे अमेरिका के सदर ने तो बड़ी तारीफ की, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अभी तक लो ग्रेड कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को अपग्रेड नहीं किया, वैल्यू ऐड नहीं किया। तो आपके लिए बेहतरीन मौका ये है कि अमेरिका से आप कंसेशंस लें, ट्रेड कंसेशंस लें, कि ड्यूटीज़ आपके लिए कम मिले। जब आपको कुछ खसूसी रियायत मिलेंगी अमरीका की मार्किट में, जिसके नतीजे में आपका जो माल है वो ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो सबसे हमारी अहम बात है, जो खसारे की बात वज़ीर आज़म ने की, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इस वक्त बहरान जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी आपका तजारती खसारा और जो डॉलर जितने आते हैं जितने जाते हैं दूसरे ज़रियों से सब मिला के, तो उनको एक तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और दूसरा जो उससे लिंक्ड, उससे भी बहुत अहम और अर्जेंट मसला है, आपने इन्वेस्टमेंट लाने हैं उस सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, क्योंकि आपकी जो अपनी सनत है उसको अभी वक्त लगेगा उस लेवल पे जाने में कि जितनी हमें एक्सपोर्ट चाहिए हमारी अपनी सनत उसको बना सके। उसका हल यही है कि फौरी तौर पर बाहर से, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सनतकार आए और उन शोबों में आकर इन्वेस्टमेंट करें जहां से हमारी एक्सपोर्ट्स हो।
आप क्या समझते हैं तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए अमली तौर पर क्या इकदाम होने चाहिए और हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान को इस मामले को लेना भी चाहिए? दो फैक्टर्स हैं जिनमें से कुछ का आयादा जो है वो जैगम साहब कर चुके हैं। एक तो वैल्यू एडिशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, इस वक्त आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। जब तक आप वो नहीं करेंगे, मसलन मैं एक आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके आम जो हैं वो यहाँ से जब एक्सपोर्ट होते हैं तो वो आपके जो नेबर कंट्री है उसको एक्सपोर्ट होते हैं और उसकी वो रीब्रांडिंग करके बाकी दुनिया में सप्लाई करता है। हाल आपके प्रोडक्ट का इस वक्त और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ यही हो रहा है। तो दो चीजें, नंबर एक वैल्यूएशन है, नंबर टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जब तक ये नहीं होगा, आप जब तक आप अपने प्रोडक्ट को कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे उस वक्त तक लोग खरीदेंगे नहीं। बाय द वे अमेरिका एक वो मुल्क है, अकेला मुल्क है जिसके साथ आपका जो है वो आप सरप्लस आपकी है तजारत जो है वो उसमें पाकिस्तान सरप्लस है। दैट मीन्स के जी पाकिस्तान जो वहां भेज रहा है वो ज्यादा भेज रहा है बनिस्बत इसके कि जो अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक अपनी जगह फीचर है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि अभी तक लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में उनको मुझे कोई ऐसा एक ऐसे लोग नजर अभी तक नहीं आए जो कि कन्विक्शन हो जिनको कि हाँ अब पाकिस्तान वाकई वो मुल्क बन चुका है जो जहाँ के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे बड़ा फैक्टर मेरी जाती तौर के ऊपर 3-4 लोगों से बात हुई है और वो खासे डिसकंटेंट लग रहे हैं, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, जब एक इन्वेस्टर यहाँ आता है तो वो चाहता ये है कि जी देखिए मेरे रास्ते में कोई अनड्यू एम्पेडिमेंट ना क्रिएट किया जाए, मैं पैसे लेके आया हूँ, मैं पैसे लगाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, और इस बात का इशारा वजीर आजम साहब दे भी चुके हैं कि कारोबारी लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया अरब जैगम खान साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, पाकिस्तान ने इस दौरे में बहुत कुछ पाया है, इस दौरे को मुस्बत दौरा कहा जा सकता है। यही वजह है कि भारत का वावेला मचाना, वहाँ के ऐवानों में इस दौरे की गूंज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।